मध्य प्रदेश तो सचमुच अनोखा है, बोले तो एकदम अलहदा, और उससे भी ज्यादा वहाँ के पुलिस वाले। उसी मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद हैं, नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। नाम तो सुना ही होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। बोले तो सुरक्षा ऐसी टाइट कि परिंदे की भी मजाल नहीं कि बीच में घुस जाए। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने पूरी सिक्योरिटी का ही डब्बा गोल कर दिया। हालत ऐसी हो गई कि सिंधिया बाबू इधर अपने रास्ते चलते रहे, उधर सिक्योरिटी वाले उनको ही पीछे छोड़कर किसी और के साथ मुरव्वतदारी कर बैठे। नहीं समझे? ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से सड़क के रास्ते ग्वालियर के लिए निकले थे, पीछे पीछे जेड सिक्योरिटी भी निकल गई। मुरैना से ग्वालियर के बीच उनकी सिक्योरिटी में बड़ी चूक हो गई। पायलट वैन सिंधिया को छोड़कर दूसरी गाड़ी को स्कॉर्ट करने लगी। 8 किलोमीटर दूर निकल जाने के बाद होश आया कि ये तो साहब की गाड़ी है ही नहीं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खेल हो गया, और ऐसे ऐसे सुरक्षा कर्मी रहेंगे तो किसी दिन पूरा का पूरा खेल ही करवा देंगे। लगता है सिंधिया साहब की सुरक्षा में लगी स्कॉट टीम भांग पीकर चल रही थी। जब पुलिस वालों को होश आया तो पता चला ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कब के बहुत आगे निकल चुके हैं। दरअसल दिल्ली से सिंधिया की गाड़ी ग्वालियर की तरफ बढ़ रही थी। मुरैना ग्वालियर बॉर्डर पर एक जगह है निरावली, जहां से सिंधिया की गाड़ी को स्कॉर्ट करते हुए जयविलास पैलेस ले जाना था। तभी वहां से सिंधिया के कार की कलर से मिलती जुलती गाड़ी पास हुई, तो शिवराज मामा के नगीने पुलिस वालों को लगा, हाँ देखो तो सही, साहब की गाड़ी वो जा रही है। फिर उसके बाद पायलट कार दूसरी कार को स्कॉर्ट करने लगी, एक तो नहीं पूरे 8 किलोमीटर तक। किलोमीटर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी बिना स्कॉर्ट के चलती रही। सुरक्षा में चूक से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। सरकार ने इस लापरवाही के लिए 14 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें मुरैना के 9 और ग्वालियर के 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। इसके बाद जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला हजीरा थाने से गुजरा तो पुलिस की आंख खुली। सारे के सारे परेशान, पुलिस पार्टी गई कहां? उसके बाद हजीरा थाने की पुलिस ने सांसद सिंधिया को जयविलास पैलेस तक फॉलो करते हुए सुरक्षित छोड़ा। गनीमत यह है कि अभी ऐसे पुलिस वालों को ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही रखवाली के लिए लगाया गया है। गलती से जिस दिन मामा अपने स्टेट के लोगों की सुरक्षा के लिए लगा दें, तो उस दिन समझिए लुटियां ही डूब जाएगी। पता चला चोर आया और सब कुछ उड़ा ले गया, और ये पुलिस वाले कहीं और भटकते रह गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी मिस्टर इंडिया तो थी नहीं कि स्कॉट काफिले के बीच से छुमंतर हो जाए। जेड कैटेगरी की सुरक्षा बहुत सेंसिटिव होती है, इसे गृह मंत्रालय बहुत लंबे चौड़े रिव्यू के बाद ही देता है। इसे मिलने का मतलब होता है जिसे मिला है उसकी जान को खतरा है। इसमें किसी नेता या किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सीरियस पुलिस कर्मियों को लगाया जाता है, लेकिन यहाँ तो नॉन सीरियस पुलिस कर्मी काम पर लगे थे। इतनी बड़ी लापरवाही का सीधा मतलब था सीधे सीधे सिंधिया की जान को जोखिम में डालना।